हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, हम लोग का चैप्टर चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, हमने कल की क्लास में लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर वन यानी कि पहला नियम हमने पढ़ लिया था, जिसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। और आज हमें पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। आज एक बहुत अच्छी बात हुई है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। और अगर आप लैंडिंग देख करके आए हैं तो कितनी प्यारी बात ही। देखिए, चंद्रयान जो है प्रोजेक्टाइल पाथ में लैंड हो रहा था, तो उसकी दो वेलोसिटी थी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शो हो रही थी और एक वर्टिकल वेलोसिटी शो हो रही थी। और एक फिर उसके बाद में आते 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 एक फिक्स लैंडिंग कर दी गई थी। इस तरीके से चंद्रयान यहाँ पर रुक गया था, इसके बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई थी। इसके बाद धीरे 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 करके चंद्रयान हॉवर हो रहा था, हवा में तैर रहा था, और फिर नीचे नीचे करके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काफ़ी समय के लिए जीरो थी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो ना होती तो चंद्रयान घिसटते हुए आगे की ओर चला जाता, ठीक है ना। तो पहले प्रोजेक्टाइल पाथ से टू डायमेंशन मोशन करते हुए, क्योंकि वहाँ पर जो शेल होती हैं चंद्रमा के चारों तरफ इलेप्टिकल थी, क्या थी, इलेप्टिकल। तो इलेप्टिकल पाथ में दो वेलोसिटी थी यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो पहले इसको ज़ीरो किया, नहीं तो ये लुढ़कते हुए आगे चला जाता। पहले इसको ज़ीरो किया, फिर एक प्लेस पे रोक दिया। उसके बाद जब वो 15 मीटर ऊपर था तो इसको आराम आराम से यहाँ पर लेकर के सेफली लैंड किया गया, ठीक ना। तो इन सब में मोशन के कंसेप्ट लगते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के भी कंसेप्ट लगा करते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझाने के लिए पहले एक छोटी सी एक्टिविटी देखिए। मान लीजिए आपके पास ये मास है m, और नहीं ये कोई ठेला है, हाथ ठेला जिसको धक्का मारते हैं चलाते हैं, और इसका मास है m और ये u वेलोसिटी से आ रहा था। किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। बीच में आकर के किसी ने एक सडन इस पे जर्क मारा है, जोर का धक्का मारा है, और इसकी वेलोसिटी हो गई है v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। मास तो यही रहेगा, मास मान लीजिए इसका है 10 किलोग्राम ठेले का, तो मास बाद में भी 10 किलोग्राम है। अब आप देखिए मोमेंटम चेंज हुआ है, और ये सब मोमेंटम जो चेंज हुआ है यहाँ का इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू पहला मास और पहली वेलोसिटी। तो मास कितना है 10 और वेलोसिटी कितनी है 10, तो मोमेंटम कितना हुआ 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बात के मोमेंटम की बात करूँ बेटा, तो p2 इक्वल टू m2 इंटू v2, तो मास है बेटा 10 और वेलोसिटी है 30, तो बच्चों ये बन गया कितना 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। खास बात क्या है, खास बात यह है कि मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मोमेंटम जितना ज्यादा चेंज होगा मतलब बीच में उतना जोर का फोर्स लगा है, बोली हाँ है ना। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी। और दूसरा, जितना कम समय में मोमेंटम चेंज होगा मतलब फोर्स उतना ज्यादा है, समझ गया ना। जैसे मैंने फोर्स लगाया, आपने देखा होगा ये एक फोर्स लगाया, एक फोर्स ये है, समझ गया ना, मोमेंटम चेंज हुआ। और दूसरा ये देखिए क्या है भाई साहब, टाइम, ठीक है ना। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लग तो नहीं गया तो ये भैया डेल्टा टी आप देख रहे हैं। अगर टाइम कम है, वही तमाचा, अगर आप बड़े आराम से स्लो मोशन में जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मगर यदि बिल्कुल टाइम ना के बराबर है, एकदम इंस्टेंटली, तो वही फोर्स तमाचे का, जोरदार तमाचे का काम करता है, बोलो है ना। मतलब टाइम घटता है तो फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भाई साहब ये कहलाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जो आग लगाने वाला टॉपिक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, और जिसके नीचे टाइम आ जाए तो बन जाता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मेरे बच्चों, जो फोर्स है प्रोपोर्शनल होने वाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, क्लियर हुआ। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ, कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम के चेंज की रेट जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ज्यादा होगा, और मोमेंटम के चेंज की रेट जितनी कम होगी फोर्स उतना कम होगा,
बोलिए आगे समझे ना। मतलब फोर्स को समझाने के लिए, फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, एक चेंज इन मोमेंटम और दूसरा टाइम। दूसरा टाइम। तश्तरी जमीन में गिरते ही फूट जाती है, टुम ठाश फूट गई कांच का बर्तन, बोलो है ना। क्योंकि भाई साहब टाइम बहुत कम होता है टकराने का, टकराने का टाइम क्या होता है बहुत कम, और टाइम कम होगा तो फोर्स एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोलो हाँ ना। मगर इसी तस्तरी को आप एक रेत के सैंड के पहाड़ में छोड़ेंगे, रेत के बालू के पहाड़ में, तो ये टाइम बढ़ जाएगा इसके टकराने से लेकर के फाइनल लेयर तक आने में, बोलिए हाँ ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया। आई बात समझ में ना। आप जमीन में फर्शेस में डायरेक्टली कूदेंगे, आपके पैर टूट जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएंगे, छत से कूदेंगे, बोलो हाँ ना। बट खतरों के खिलाड़ी आपने देखा होगा, वो लोग सैंड बैग का यूज़ करते हैं, कुशन का, गद्दे का इस्तेमाल करते हैं, बोलिए ऐसा नो। तो गद्दे में जब आप नीचे जाते हैं, सर्कस देखा होगा, वो रस्सी लगी रहती है उसमें कूदते हैं जाली में, हाँ है ना। तो क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, मतलब छूना, रस्सी को छुआ यहाँ पे, फिर रस्सी अपने आप नीचे जाती जाती है, फाइनली जो रिएक्शन मिलता है वो यहाँ तक आते आते कम पड़ जाता है, बोलो है ना। मतलब टाइम हो गया बढ़ गया, और टाइम बढ़ गया तो फोर्स घट गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर है। तो ये कहलाता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्या कहलाता है ये, न्यूटन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब किसी बॉडी पर जो लगने वाला फोर्स है वो उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे ये कोई बॉडी रखी हुई है, इस पर जो फोर्स लगाया है वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के, ठीक है ना। यस ये देखिए, अगर इंस्टेंटली की बात की जाए तो यस यहां तक आ गए थे ऑन इट, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये किस दिशा में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। भाई साहब ये जो मोमेंटम में बदलाव हुआ था, अभी देखा था आपने जो गाड़ी भागी थी, ये जो मोमेंटम में बदलाव हुआ था ये किसकी डायरेक्शन में हुआ था, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है ना। हाँ, जो मोमेंटम में चेंज होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, क्यों भाई साहब, क्योंकि एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी और प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम, गलत, चेंज इन मोमेंटम की, किसकी, चेंज इन मोमेंटम की। मतलब याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया, यस यस। एंड द दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्लियर। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, अगर बात की जाए एवरेज की, बड़े तत्काल पलक झपकते चांटा लगने की बात की जाए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, क्लियर हो गया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। अब बच्चों यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कॉन्स्टेंट आता है, थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। एफ इज प्रोपोर्शनल टू, जैसा आपने देखा डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, के आएगा कॉन्स्टेंट, के डी पी बाई डी टी, के की वैल्यू होती है वन, कितनी वैल्यू होती है वन, तो एफ इज इक्वल टू हो गया डी पी बाई डी टी। अब बेटा भैया डी बाई डी टी, अब आप देखो आप ठेला खसका रहे थे, बोलो हाँ या ना, तो मास तो कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू एम आ गया बाहर और डी वी बाई dt, so f is equal to mass, और ये क्या बन गया, acceleration। बट ये कब लगेगा, जब मास कांस्टेंट है, जब मास क्या है, कांस्टेंट है, तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगता। इसलिए जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो केवल यहां तक है, क्योंकि इसके आगे कई चीजें बदल सकती हैं, dp by dt में बहुत कुछ बदल सकता है। आइए देखते हैं भाई dp by dt में कैसे कुछ बदलाव हो सकता है। आपने देखा होगा अभी चंद्रयान जब गया है 3, तो इसको रॉकेट लेकर के जाता है, और रॉकेट जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका मास कम होता जाता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल होता है वो बर्न होकर के धूल बन के, भाप बन के उड़ जाता है, बोलो हाँ ना, स्मोक बन के निकल जाता है, और रॉकेट लाइट वेट होता जाता है जैसे ऊपर जाता जाता है, नीचे इसका मास भारी रहता है और ऊपर जाते हुए क्या हो जाता है, लाइट वेट, ये सुनो।
और वहाँ जाने पर फिर वेलोसिटी में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि जितना लाइट वेट होगा वो उतना तेज भागेगा। क्लियर है ना? तो भैया वेलोसिटी में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो भाई साहब वहां पर दोनों चीजें बदलती है, मतलब आप डी बाई डी टी अगर एम वी करोगे तो एम को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है। आई बात समझ में ना? फिर दो फंक्शन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? इसलिए एफ इक्वल टू एम ए को न्यूटन का सेकेंड नियम ना समझ लेना। जिन लोगों ने समझा है कि एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकेंड नियम होता है, उन लोगों ने बिल्कुल गलत समझा है। क्या अभी के पहले आप भी समझते थे यही, एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकेंड नियम होता है? चलिए वेरी गुड। न्यूटन का जो सेकेंड नियम होता है वो होता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है बेटा? लो भाई साहब, तो आ चुका है कांस्टेंट मास के लिए नियम एफ इक्वल टू एम ए। फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। क्लियर हो गया? क्योंकि जो एक्सेलरेशन लगा है वही फोर्स लगा है। तो बच्चों यहां पर याद रखिएगा, इसमें मास कांस्टेंट रहेगा तब ही ये काम करेगा। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तब ये काम नहीं करेगा। और ये जो फोर्स की डेफिनेशन है, ये फोर्स को कैलकुलेट कराती है। क्या कराती है? कैलकुलेट। इसलिए ये जो डेफिनेशन है एफ इक्वल टू एम ए, इसे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव फॉर्मूला। क्वांटिटेटिव फॉर्मूला, ठीक है ना? अब याद करिए भाई साहब, मैंने कल क्या पढ़ाया था? एक अच्छी बात बताता हूं आपको। कल मैंने पढ़ाया था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स वो होता है जो इनर्शिया को ध्वस्त कर दे। बोलो हाँ या ना? इनर्शिया को ब्रेक कर दे, बर्बाद कर दे, याद आया है, उसे फोर्स बोलते हैं। जो इनर्शिया को ब्रेक कर दे उसे बोलते हैं क्या? फोर्स। इनर्शिया को जो तोड़ दे, तबाह कर दे, उसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक बेटा? अच्छी बात है, इसे हम फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या करता है? कल मैंने ये बताया था, आज मैं बता रहा हूं फोर्स कितना होता है। तो कल मैंने फोर्स के बारे में पढ़ाया, वो क्या था? क्वालिटेटिव। क्या पढ़ाया था? क्वालिटेटिव। मैंने बताया फोर्स ये होता है, फोर्स वो होता है, मगर मैंने ये नहीं बताया फोर्स कितना होता है। बट आज जो मैंने पढ़ाया है सेकेंड लॉ, उससे पता चला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास रख दोगे, एक्सेलरेशन रख दोगे, तो आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। मतलब आज मैंने ये बता दिया फोर्स कितना होता है, तो मैंने आज बताया है क्वांटिटेटिव। क्या बताया? तो भैया जहां फर्स्ट लॉ फोर्स के क्वालिटेटिव नेचर को इफेक्ट करता है, दिखाता है, वहीं सेकेंड लॉ फोर्स का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है। ये क्वांटिटेटिव पार्ट्स का डिस्कस करता है फोर्स का। सो न्यूटन सेकेंड लॉ गिव द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? जबकि फर्स्ट लॉ कौन सी डेफिनेशन देता था बच्चे? क्वालिटेटिव। फोर्स ऐसा होता है, फोर्स वैसा होता है, फोर्स इनर्शिया को ब्रेक कर देता है। अरे भैया कितना होता है कौन बताएगा? सेकेंड लॉ कौन बताएगा? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो भाई साहब आपने देख लिया है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। ये सुनो, एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल। भाई मोमेंटम तो चेंज होना है, क्योंकि बॉल की स्पीड ज्यादा थी, अब बॉल स्पीड में कम हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? अब अगर आप टाइम बढ़ाते हो, गेंद को ऐसे पीछे खींचते हो, हाथ को ऐसे क्या करते हो? पीछे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कैच और कुछ लोग ऐसे लेते हैं। बोलिए जी। यस, अगर आप हाथ को पीछे खींचते हो तो फायदा क्या है? टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा, और आपके हाथों में चोट कम आएगी, कम लगेगी या नहीं लगेगी? आई बस समझ में? यही कैच अगर आप सामने की तरफ हाथ करके ऐसे जाओगे, भाई साहब बहुत जोर की चोट लगेगी। समझ में आएगी नहीं है? क्लियर है ना? हाँ। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए देखा होगा कांच के जो बर्तन आते हैं बेटा, कांच के बर्तन के जो कार्टून होते हैं, ऊपर कांच का बर्तन नीचा और नीचे उसकी ग्रास रहती है। क्या रहती है? ग्रास, जिससे कि दचका पचका लगे अगर कोई ऊपर से हैवी
झटका लग जाए तो ये सरफेस में टकराने के पहले इतना टाइम ले ले कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, कम। समझ में आया? चलिए भाई साहब, तो ये हो गया न्यूटन का सेकेंड नियम, समाप्त हो गया है। और ये जो न्यूटन का सेकेंड नियम यहां तक है, और ये इसके बाद फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू है। क्या ये फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू, एफ इक्वल टू एम ए है फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू। ठीक है बेटा, चलिए दोस्तों आ जाते हैं थर्ड लॉ पे, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ वैसे हर बच्चे को याद होता है, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, नाइन्थ क्लास में उसको रटा दिया जाता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, ये कभी सेम बॉडी पे नहीं लगते, याद रखना। ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये बुक है और ये ग्राउंड पे रखी हुई है, बोलिए सुनो। जो बुक है वो ग्राउंड पर फोर्स लगाएगी, दिस इज फोर्स ऑफ बुक ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड बुक पर धक्का मारेगा, दिस इज फोर्स। ये क्या था, फोर्स ऑफ बुक ऑन ग्राउंड, ये होगा फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ ग्राउंड ऑन बुक। क्लियर हुआ? किसका फोर्स है? ग्राउंड पर, बट किस पे लग रहा है? बुक पर। पहला फोर्स किस पे लग रहा है? ग्राउंड पर, एक्शन है ये, बदले में रिएक्शन मिला है। दूसरा फोर्स किस पर लग रहा है? बुक पर। और दोनों फोर्स बराबर होंगे, एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो फोर्स ऑफ बुक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्राउंड विद, फोर्स ऑफ ग्राउंड ऑन बुक, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू नहीं, फोर्स ऑफ बुक ऑन ग्राउंड इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्राउंड ऑन बुक। बोलो यस। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अगर वेक्टर लगाओगे तो एक माइनस साइन आएगा। तो मैथमेटिकल इसको लिख दिया जाता है बच्चों, एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन। क्लियर है? एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन। फोर्स ऑफ बॉडी वन ऑन टू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉडी टू ऑन वन। पक्का? एनी प्रॉब्लम? यस। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद रखिएगा वर्ड को, इक्वल और दूसरा अपोजिट। क्लियर? इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन अनदर बॉडी बी, देन बी रिएक्शन बी, देन बी एक्सर्ट ए रिएक्शन फोर्स रिएक्शन आर इक्वल टू माइनस एफ, दिशा के साथ ऑन अ बॉडी ए द टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। बहुत बढ़िया बात, दोनों फोर्सेस सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, देख लो बाबू, हाया ना, दोनों सेम लाइन में एक्ट करेंगे मगर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, कारण अलग अलग बॉडी पे हैं। किस पे हैं? अगर एक ही बॉडी पे पांच लगता इधर और पांच लगता इधर तो बेशक कैंसिल कर देता, मगर बेटा अलग अलग बॉडी पे लगने के कारण ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो वन मार्क्स का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय संगठन का कि भाई साहब एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे बॉडी पर सेम बॉडी पर लगते नहीं है। क्लियर है भाई साहब? यस। द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, बहुत अच्छी बात कर दी यहां पे। अगला है नोट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, हेंस दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, दे कैन नेवर कैंसिल ईच अदर। यस। न्यूटन थर्ड लॉ गिव द नेचर ऑफ द फोर्स, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो फोर्स के नेचर को बदलाता है, कि जो फोर्स होता है हमेशा जोड़े में आता है, एक्शन और रिएक्शन। वेन यू पुश द वॉल पुशेस ऑन यू, भले ना खसके जमीन, दीवार ना खसके, क्योंकि मैंने बताया था अपुश और अपुल, ओके, विच कीप द बॉडी इन मोशन और टेंड्स टू कीप इट इन मोशन, या तो मोशन में ला दे या मोशन में लाने की कोशिश करें। भाई साहब ये देखिए, ये लगा रहे हैं इस पर दीवाल पर एक्शन, बोलो हाँ, दीवाल पर क्या लग रहा है? एक्शन, ठीक है ना, दीवाल पर लग रहा है एक्शन, और इनके हाथों में वापस क्या लग रहा है? रिएक्शन। क्या लग रहा है? रिएक्शन। क्लियर है? यस।
लुक एट वॉल पुशिंग ऑन मी, देखो मुझे वॉल पुश कर रही है। सही बात है, बिल्कुल पुश करेगी। आप भी वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल किसको पुश करेगी? आपको। अब बात करते हैं बच्चों इम्पल्स की। किसकी बात करते हैं? इम्पल्स की। इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? अगर एक बड़े अमाउंट का फोर्स शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए लगाया जाता है, ये देखिए ये है टाइम टी वन, यहाँ है टाइम टी टू, समझ में आया ना? फोर्स लगना शुरू हुआ, टी वन से स्टार्ट हुआ, उठ गया और ये आ गया, है ना? बैट्समैन को बॉल, बॉलर ने बॉल दी, बैट्समैन के थोबड़े पे आके बॉल लगी, है ना? आप स्लो मोशन के उसके वीडियो को देखिए, ये बॉल आई सरफेस पे, चिपकी गाल पे, गई 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 गई, दवाई ये पीक लेवल पे उसके गाल को दवाई, है ना? देखा होगा ना आप लोगों ने, और फिर ये बाल बॉल जो है उससे दूर होना शुरू हो गई। क्लियर है? मैंने कहा बताइए टोटल फोर्स का इम्पैक्ट कितना हुआ, इम्पल्स कितना लगा, तो बेटा ये देखिए, ठीक है ना? तो फोर्स का इम्पैक्ट होगा यहां से यहां तक, एक्चुअली फोर्स बदला है कि नहीं बदला है? पहले देखो फोर्स छोटा था फिर बड़ा हो गया, बोलो हाँ। तो मैं निकालूंगा फोर्स की एवरेज वैल्यू, क्या निकालूंगा फोर्स की? मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये कहलाता है भाई साहब इम्पल्स। क्या कहलाता है? ये इम्पल्स। और अगर कांस्टेंट फोर्स लगा, बदलने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ इंटू डेल्टा टी मेरा कांस्टेंट फोर्स है, ये है, है ना? मगर वेरिएबल फोर्स है ना, देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना? पहले बढ़ा और फिर घटा, ये वेरिएबल फोर्स है बट कांस्टेंट फोर्स, यस और नो? तो इसमें क्या होगा? फोर्स इंटू डेल्टा टी, इसको बोलते हैं इम्पल्स, आई इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ बात देखते हैं भाई इम्पल्स। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब चांटा फोर्स बड़ा है, हाँ ना, एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन, चांटा लगा शॉर्ट ड्यूरेशन, नाइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नॉर द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स इज इंपॉर्टेंट, इन सच अ केस द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड। उस समय क्या इंपॉर्टेंट होता है? मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ना ही टाइम इंपॉर्टेंट होता है, उस समय फोर्स का टोटल इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और उस समय इफेक्ट टोटल निकाला जाता है, इन द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। टोटल इफेक्ट क्या कहलाता है? इंपल्स। इफ अ फोर्स इज, इफ अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ ए स्मॉल टाइम, सो आंसर इंपल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। और अगर फोर्स बदल रहा है तो कौन सा फोर्स? एवरेज फोर्स। कौन सा फोर्स? एवरेज फोर्स इंटू टाइम। ये देखो भाई साहब, इंपल्स इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। क्लियर? एफ इंटू डी टी, इंपल्स इक्वल टू एफ इंटू डी टी। अब ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, किसके लिए? बहुत शॉर्ट टाइम, इतना शॉर्ट टाइम की बस मीजरेबल ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर का शॉर्ट टाइम है। अगर फोर्स एफ लगा है किसी बॉडी पर और बहुत कम समय के लिए लगा है, तो ये लगा दो ये वाला फॉर्मूला एफ इंटू डी टी, बोलो यस। बट यदि फॉर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टी वन से लेके टी टू, अगर टाइम टी वन से लेके टी टू तक बदल रहा है, मतलब फोर्स बदल रहा है, क्या लगेगा? फोर्स बदल रहा है, ये सुनो। तो दो तरीके हैं, या तो मेरा वाला तरीका, एवरेज फोर्स निकाल लो इंटू टाइम इंटरवल का मल्टीप्लाई कर लो, बोलो ये सुनो। और दूसरा टी वन से लेकर के टी टू तक फोर्स को इंटीग्रेट कर लो, तो टोटल फोर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? हाँ। सो आंसर उसका क्या हो जाएगा? एफ डी टी, एफ डी टी, टी वन से लेके टी टू तक। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखो भाई साहब, यदि हम देखें तो ग्राफ में एफ डी टी किसको शो करेगा? फोर्स का टाइम एक्सिस के साथ एरिया, क्योंकि मैंने बताया था इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या शो करता है? एरिया। फोर्स का टाइम एक्सिस के साथ एरिया, मतलब अगर आप फोर्स टाइम ग्राफ में फोर्स का एरिया निकाल लोगे टाइम एक्सिस के साथ, तो जो एरिया आएगा वो किसको दे देगा? इंपल्स को। किसको दे दोगे? इंपल्स को। शायद आप लोग भूल गए होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया निकालते थे तो वो क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी डी टी, याद आया? आज वैसे ही जो इम्पल्स है, इम्पल्स इक्वल टू एफ डी टी, मतलब फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? इम्पल्स।
क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है. सो फॉर फोर्स टाइम ग्राफ इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. ये देख लीजिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी. इसको इधर जान दो, थोड़ा सा हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, देखते हैं कुछ नया सीखेंगे. क्या पढ़ा है भाई साहब, फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी. डी टी को यहां जान दीजिए, एफ डी टी इक्वल टू कितना हो गया, ओनली डी पी. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड फोर्स, फोर्स डी टी इज इक्वल टू डी पी. यस और नो? डी पी का जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, इसको और सिंपल तरीके समझो भाई. लियो मैंने क्या बताया, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा पी. ये क्या है भाई साहब, इम्पल्स. क्या है ये, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम बच्चे इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. समझ गए ना? यस. तो ये देख लीजिए, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया डी पी. सो इन ये क्या आ गया, इम्पल्स कहते हैं इसको. क्या बोलते हैं, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो हेंस जो इम्पल्स होता है वो मोमेंटम में चेंज के क्या होता है, इक्वल. सीधी सीधी बात, जो इम्पल्स है बेटा वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के. और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. बोलो क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब बात करते हैं एवरेज फोर्स निकालने की. किसकी बात करते हैं, एवरेज फोर्स निकालने की. यस yes. तो आपने देखा कि अगर एवरेज फोर्स कांस्टेंट है, इफ एफ ए वी इज द एवरेज फोर्स मैग्नीट्यूड. अगर आपने एफ एवरेज फोर्स आपने ले रखा है, एवरेज फोर्स मतलब कांस्टेंट आपने निकाल लिया है. बोलिए सुनो, ठीक है भाई. अब इस तरीके से क्यों जाओ, मेरे तरीके से आप चले जाओ. आपने क्या देखा, आई इज इक्वल्स टू फोर्स एवरेज इंटू डेल्टा टी. ये तो मैंने पहले ही बता दिया था. yes. बोलो बताया कि नहीं बताया. yes, ये देखिए जी भाई साहब, इंपल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी. ये मैंने पहली लाइन में ही बता दिया. अब इसको यहां पर डिराइव करने की बात की जा रही है. कैसे डिराइव करने की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं भाई साहब कि जो इंपल्स होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ टी वन से लेके टी टू. और अगर फोर्स की एवरेज वैल्यू काम कर रही तो एफ ए वी इंटू डेल्टा टी. बोलिए सुनो, एवरेज फोर्स को बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट होगा. तो आई इज इक्वल टू एफ ए वी, और यहाँ पे टी वन से लेके टी टू, और क्या आ गया, डी टी. क्या आ गया बेटा, डी टी. जब डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो डी टी का इंटीग्रेशन, डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का कितना आएगा, टी. और लिमिट लग जाएगी टी वन से लेके टी टू, तो टी टू माइनस टी वन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन डेल्टा टी. बोलो है ना? तो ये हो जाएगा भाई साहब एफ इक्वल टू एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी. और ये तो मैंने पहले ही बता दिया है ना, कि भैया जब आपके पास में फोर्स बदल रहा है समय के साथ, तो इस परिस्थिति में इंपल्स निकालने के लिए आई इज इक्वल टू एफ एवरेज निकाल लो, इंटू कितना कर दो, डेल्टा टी. दूसरा तरीका यह है कि फोर्स को इंटीग्रेट करते जाओ, टी वन से टी टू तक फोर्स की वैल्यू इंटीग्रेट कर लो, और यहां पर क्या लगा लो, डी टी. दो तरीके हैं, या तो इंटीग्रेशन कर लो या तो एवरेज निकाल लो. चलो आ गया समझ में. ओके अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हाँ बच्चों, डिनोट कितने करने की बात आ रही है कि इंपल्स को डिनोट किससे करेंगे. बच्चों इंपल्स को आई से भी डिनोट करते हैं और जे से भी डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आप जे से भी करिए डिनोट या आई से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. अब आ गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले आप इस पिक्चर से समझिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि भाई साहब ये आपके पास मान लो ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, ये इसकी स्पीड है 20 और इसकी स्पीड है 10. मैंने बॉल ले लिया, आप कार भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. 20 है, ये कितना है, 10 है. तब टकराएगी जाके इसमें, ये सुनो. तो भैया अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात कर लूँ इस बॉल के, तो इनिशियल मोमेंटम में टोटल सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, बॉडी का नहीं सिस्टम का, तो सिस्टम में दो लोग हैं m1 u1 plus m2 u2. अगर
कोई आपके पास सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं गति कर रही हैं, मोशन कर रही हैं, और अगर आपने इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तो टकराने के बाद मान लो नाम तो यही रहेगा ए बी, है ना, बॉडी का मास पहले वाले का मोमेंटम हो गया एम वन वी वन और दूसरे का एम टू वी टू, तो भाई साहब फाइनल मोमेंटम यदि मैं लिखता हूँ पी फाइनल इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, तो रूल ये कहता भाई साहब जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, क्लियर है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बोले तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब आप कहोगे क्यों, जब आप फोर्स नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देख लो कैसे, आपने अभी अभी पढ़ा एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, बोलो यस, और अगर फोर्स जीरो है तो आपको पता है किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का, मतलब मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट, मतलब यदि अगर सिस्टम में एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए जब आप किसी फटाके को फोड़ते हो जमीन पर रख करके तो एक हिस्सा इधर भागता है तो एक हिस्सा इधर भागता है, क्यों, क्योंकि शुरुआत में मोमेंटम कितना था जीरो और बाद में भी जीरो होना चाहिए, तो कुछ हिस्से का मोमेंटम यहां चला गया, मान लो यहां चला गया प्लस पांच और तो यहां कितना जाएगा माइनस पांच, अगर आपने ऑब्जर्व किया है डीपली तो यदि किसी कद्दू वद्दू को रख करके उसके बीच में बम बम फंसा के फोड़ दो तो आधा हिस्सा आगे जाएगा और आधा हिस्सा उसी अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जाएगा, समझ गए, और लटका के फोड़ोगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जमीन में तो फ्रिक्शन खेल बिगाड़ देगा बट यदि हवा में लटका करके उसके अंदर बम फंसा के फोड़ोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाई देगा कि जितने हिस्से इधर जाएंगे उतने हिस्से उधर जाएंगे, यस और नो, तो मोमेंटम पहले भी जीरो था और मोमेंटम बाद में भी क्या होगा जीरो, ठीक है जी, जब बंदूक से फायर करते हैं तो गोली आगे जाती है और बंदूक का बाकी हिस्सा कहाँ आता है पीछे, क्योंकि बंदूक के पहले मोमेंटम कितना था जीरो, और अगर जीरो है तो बाद में भी कितना होना चाहिए जीरो, तो आगे वाला मोमेंटम अगर प्लस पी जनरेट होगा तो पीछे वाला कितना जनरेट होगा माइनस पी, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये जो घटनाएं हैं इसको हम जोड़ सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, एक्ट्स ऑन अ बॉडी नहीं, एक्ट्स ऑन अ मोमेंटम कंजर्व है सिस्टम का, बच्चे समझ लेते हैं बॉडी का, अरे बॉडी का नहीं है भाई कद्दू का है, और कद्दू तो सिस्टम है ना, और कद्दू फूटने के बाद दो हिस्सों में बढ़ गया वो भी क्या है सिस्टम है, सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम यानी अलग थलग, कोई उंगली करने वाला ना हो, ये नहीं कि बीच में कोई मार करके चला गया उसको, ऑफ अ कॉन्स्टेंट मास देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ टाइम, मतलब इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो देन पी इनिशियल इक्वल टू पी, समझ में आया अच्छे से, पक्की बात, ये देखो भाई क्या रखा है कैनन, क्या रखी ये कैनन, द मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज जीरो, मतलब पहले मोमेंटम कितना था भाई साहब जीरो, आफ्टर फायरिंग नेट मोमेंटम इज स्टिल जीरो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फंडा कहता है कि जितना मोमेंटम पहले है उतना मोमेंटम बाद में है, मगर कब, यदि कोई फोर्स ना लगाओ, और भैया गोला दागने के लिए कोई फोर्स थोड़ा लगता है, थोड़ी सी आग लगाते हैं, आग थोड़ी ना फोर्स हो गई, बोलो हाँ, टोटल मोमेंटम पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो रहेगा, कैनन इज इक्वल ऑफ द कैनन इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कैनन बॉल, तो जितना कैनन बॉल मोमेंटम आगे लेकर के जाएगी उतने मोमेंटम से इसको पीछे ढकेलेगी, जिससे कि नेट मोमेंटम कितना हो जाए जीरो, अगर ये 10 का मोमेंटम आगे लेके गई है तो 10 के मोमेंटम से इसको पीछे ढकेल के जाएगी, जिससे कि नेट मोमेंटम कितना हो जाए जीरो, क्योंकि यहां पर पी इनिशियल कितना है बच्चे जीरो, तो पी फाइनल भी जो होगा वो भी कितना मिलना चाहिए जीरो, ठीक है, तो एक
जो टैंक है वो पीछे भागेगा तो उसका मोमेंटम नेगेटिव मोमेंटम जनरेट होगा, और गोली आगे भाग रही है तो उसका मोमेंटम कैसा जनरेट होगा? पॉजिटिव। और दोनों को लड़ा दोगे, दोनों को जोड़ दोगे, सो आंसर टोटल कितना हो जाएगा? जीरो। आया समझ में? सो ये कहलाता भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म हो जाता है। अब आइए एक बेहतरीन टॉपिक, एक जेई के लेवल का टॉपिक, और आपको कहना चाहिए कि जो पूरी की पूरी फिजिक्स की जान है, पूरे फिजिक्स के जो डायग्राम हैं, जो आपके फोर्सेस के बड़े बड़े न्यूमेरिकल, खतरनाक न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और मैकेनिक्स वैसे भी फिजिक्स की जान कही जाती है, मैकेनिक्स जो है उसको प्योर फॉर्म ऑफ फिजिक्स कहा जाता है कि मैकेनिक्स प्योर फॉर्म ऑफ फिजिक्स है। तो इस कंसेप्ट से फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? इट इज अ डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग के लोगों से अलग थलग हो, विथ फोर्सेस अप्लाइड टू द बॉडी बाय द वेरियस अदर बॉडीज, जिसमें अलग अलग बॉडी के द्वारा जो सारे अप्लाई किए गए फोर्स हैं दैट इंटरेक्ट विद इट, वो उस पर लग रहे हो और उनको हम दिखा सकें। मतलब एक बॉडी को अलग थलग करके दुनिया की दूसरी बॉडी से, परंतु उस पर लगने वाले और उसके द्वारा लगाए जाने वाले सभी फोर्सेस को मैं दिखा सकूं, तो ये क्या कहलाता है? उसका फ्री बॉडी डायग्राम। भाई साहब आप एक बस पे चढ़े हुए हैं और बस पे चढ़े हुई अवस्था में एक बंदा आपको पीछे से धक्का मार रहा है, एक बंदा आपको यहां से धक्का मार रहा है, एक छोटा बच्चा आपके कान पकड़ के खींच रहा है, और दूसरा आप बस का हैंगर पकड़े हुए हो, बोलो हाँ या ना? तो मैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये आप हैं, एक फोर्स यहां से, एक फोर्स यहां से, एक पुल फोर्स ऊपर की ओर, और एक स्लांटेड फोर्स कान पकड़ के खींच रहा मतलब बाहर की ओर टेंशन, बोलो हाँ। और एक आपका वेट भाई साहब भूल ना जाना एमजी, क्या है? mg। और जो एक्शन लगेगा तो रिएक्शन भी तो लगेगा, तो ये क्या लगेगा? r। क्या लगेगा? r। ठीक है भाई साहब, अगर जमीन पे हो तो r लगेगा और हवा में हो तो r नहीं लगेगा, तभी तो नीचे गिरते जाओगे, बोलो हाँ या ना? नीचे गिरोगे ना, एक्सेलरेशन लग रहा भाई, जहां एक्सेलरेशन मतलब अनबैलेंस फोर्स, कैसा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स, और जैसे ही जमीन आ जाएगी वैसे बराबर लगने लगेगा r। तो ऐसा डायग्राम जो किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बताए, उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। आइए देखते हैं भाई साहब, ये देखिए, ये आपके सामने एक सिचुएशन दी गई है और इस ब्लॉक का आपको फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस दैट अ बॉडी एग्जर्ट इन इटसेल्फ और ऑन अदर बॉडी आर नेवर इंक्लूडेड इन फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस दैट अ बॉडी एग्जर्ट ऑन इटसेल्फ। भैया खुद के ऊपर के फोर्सेस नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है ना? फोर्सेस दैट अ बॉडी एग्जर्ट ऑन इटसेल्फ और वन अदर बॉडी इटसेल्फ और ऑन अदर बॉडी, सॉरी, नेवर इंक्लूडेड इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्सेस नहीं दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, अदर बॉडी को तो दिखाई देते हैं, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। ये एमजी है, जमीन पे एक्ट करेगा, बिल्कुल दिखाई देगा। आइए देखते हैं, हालांकि ये सरफेस नहीं है, फिर भी इस लाइन को भी हम एग्जिट करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अब तो इधर पे देखिए, अब ये रखा हुआ है, ठीक है ना? ये क्या है रखा हुआ है? अभी कौन कौन से फोर्स लगाएगा? सबसे पहले इस पर डाउनवर्ड क्या लगेगा बेटा? एमजी। क्या लगेगा? एमजी। अब ये सरफेस है एक, ये देखो ये एक सरफेस है, तो हमेशा सरफेस से नॉर्मल की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ये बनेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ये बनेगा, तो भैया ये बन गया एन वन और ये बन गया एन टू, क्लियर हो गया? ये बन गया एन वन, ये बन गया एन टू। तो बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखाता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या दिखाता है? फ्री बॉडी डायग्राम। भाई साहब रॉकेट प्रोपल्शन हमारे सिलेबस से हो चुका है आउट, तो हमें इसको पढ़ना नहीं है, रॉकेट प्रोपल्शन की हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ लिफ्ट। यदि आप लिफ्ट पे चढ़े हुए हो तो आपकी बॉडी का मोशन कैसा होगा, ठीक है ना? तो ये लिफ्ट है और ये एक वेइंग मशीन है और ये आप हैं और हम इसको आपके ऊपर चढ़ा दिए हैं, मतलब लिफ्ट के ऊपर आप चढ़ चुके हैं और हमें बताना है कि
आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, बोली क्लियर हुआ? ठीक। तो भैया वेट, जब आप फ्लैट सरफेस पे बैठे हुए हैं, ये देखिए ये है, जितना आप लगाएंगे एक्शन, क्या लगाएंगे, उतना आपको मिलेगा रिएक्शन, उतना आपको मिलेगा रिएक्शन, क्लियर हुआ? जितना आप लगाएंगे एक्शन उतना आपको मिलेगा क्या, रिएक्शन। तो अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, आप क्या लग खड़े हैं, वेइंग मशीन पे, तो आप खड़े हो करके अपना एक्शन किस पे दे रहे हैं, वेइंग मशीन पे, और वेइंग मशीन अपना रिएक्शन किसको दे रही है, आपको, बोले जी, मतलब वेइंग मशीन जो बदले में फोर्स लगा रही वो है क्या, आर, क्या है वो, आर, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। क्लियर हुई बात? When a body of mass m is placed on a weighing machine which is placed in a lift, then actual weight of the body is mg. बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बॉडी रुकी हुई है नीचे कितना लगेगा mg, लिफ्ट रुकी हुई है कितना लगेगा mg, mg के बदले में ऊपर भी कितना मिलेगा mg, तो जो मशीन वेट दिखाएगी वो कितना दिखाएगी mg, बिल्कुल सही बात है। द फोर्स mg एक्ट ऑन अ weighing मशीन बिकॉज, सॉरी, द फोर्स एम जी एक्ट ऑन अ वेइंग मशीन विच ऑफर्स अ रिएक्शन आर गिवेन बाई द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। समझ में आया? रिएक्शन आर मिलेगा जो कि वेइंग मशीन दिखाएगी, वेइंग मशीन रीडिंग करके दिखाएगी, मतलब वेइंग मशीन किसको नापती है, एक्शन को कि रिएक्शन को, रिएक्शन को। क्लियर हो गया? दिस रिएक्शन आर एक्सर्टेड बाई द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑन अ बॉडी इज द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन होता है ये आप जिस सरफेस पर खड़े हैं वो सरफेस आपके ऊपर लगाती है। जैसे आप जमीन पर खड़े हैं तो जमीन आपके ऊपर जो लगाएगी वो क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। और ये आभासी होता है, ये क्या होता है, आभासी यानी कि काल्पनिक होता है, कई बार ये हालातों के अनुसार होता है, ये हालातों के अनुसार काल्पनिक होता है, ये रिएक्शन फोर्स काल्पनिक हुआ करता है। द रिएक्शन आर इज एग्जर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द बॉडी, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के द्वारा लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, बॉडी पर, ठीक है ना। और यही होता है आपका अपरेंट वेट, क्या होता है आपका अपरेंट वेट, क्या होता है आपका अपरेंट वेट, ये आपका अपरेंट वेट है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका अपरेंट वेट क्यों है। ये आपका अपरेंट वेट इसलिए है क्योंकि ये हालातों के अनुकूल है। कभी लिफ्ट में बैठे हैं, कभी लिफ्ट में बैठे हैं तो जब लिफ्ट एकदम से झक से नीचे जाती है तो आपको पेट में गुदगुदी टाइप का लगता होगा, हल्के हो गए ऐसा लगता है, क्या हो गए, हल्के। और जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है कि आपके पैरों से ज्यादा बल पड़ रहा है तो आपको लगता भारी हो गए। दूसरा, वो जो बड़ा वाला जॉइंट व्हील वाला झूला होता है, टोकरी वाला, ओ भाई साहब मेले में चलता है बड़ा वाला झूला, बोलो हाँ है ना, तेजाब पिक्चर का अनिल कपूर वाला, माधुरी दीक्षित वाला देखी हो अगर, तो भाई साहब वो झूला जब ऊपर से नीचे आता है तो बड़ी बुरी हालत होती है। नीचे से ऊपर जाता है तब तो कॉन्फिडेंस फील होता है, जब नीचे से ऊपर आता है तो ऐसा लगता है सारा अंदर का माल बाहर आ गया है, गुदगुदी लगती कि नहीं लगती है, वही कमाल है अपरेंट वेट का। उस समय आपका वेट कम होने लगता है, क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्लियर है जी? आइए देखते हैं कैसे होता है। व्हेन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है अपवर्ड, चलिए लिफ्ट मूव करेगी अपवर्ड, क्या रूल लगता है बच्चों, एफ इक्वल टू एम ए। अब मैं आपको जिंदगी में तो नहीं, आपकी 11th क्लास के बैच में पहली बार आपको मैं न्यूटन का नियम लगाना सिखा रहा हूँ कि न्यूटन के लॉज कैसे लगते हैं। तो आपने सबसे पहले लिख लो भैया एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, लिफ्ट कहाँ एक्सेलरेट हो रही, ऊपर की तरफ। सोचिए आप 95 मंजिल के लिफ्ट में ऊपर चढ़े हुए हैं, 95 मंजिल जो होती है विदेशों में और बड़े बड़े शहरों में,
लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेट होती जाएगी, तेज होती जाएगी, बोली हाँ है ना। अब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है तो अब देखिए क्या क्या लगेगा। एक आपका फोर्स है एम जी, बोलो हाँ, और रिएक्शन फोर्स क्या लग रहा है आर, तो और एक्सेलरेशन कहाँ है ऊपर, तो ऊपर वाला फोर्स नेट फोर्स ऊपर की तरफ है मतलब आर बड़ा होगा, तो आर ऊपर प्लस में और एम जी नीचे माइनस में, इक्वल टू कितना एम ए, क्योंकि ये फोर्स था, क्या था ये, तो भैया दो ही तो फोर्स लग रहे थे, एक आर और एम जी, आर कहाँ लग रहा था ऊपर और एम जी कहाँ लग रहा था नीचे, तो भैया हमको क्या चाहिए आर चाहिए, तो आर इक्वल टू कितना हो गया एम जी प्लस एम ए, समझ में आया। जो आपका जमीन पर फोर्स था, जो आपका जमीन पर वेट था वो क्या था एम जी था, उसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया एम ए, क्या जुड़ गया एम ए, समझ में आया। तो जो आपका नेट वेट है वो आ गया आर एम जी प्लस एम ए, तो जो अपेरेंट वेट है यानी आभासी जो वेट निकलेगा वो एक्चुअल वेट से क्या है ज़्यादा, मतलब जब लिफ्ट जाएगी तो अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब उल्टा कर लीजिए भाई साहब, ये जल्दी लिफ्ट हो नहीं, जान लीजिए देखते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एफ की जगह एम ए, एम ए कहाँ है नीचे है ए, तो नीचे का सपोर्ट कौन करेगा एम जी, और माइनस कितना आर, क्योंकि आर ऊपर है तो निगेटिव आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिखता नीचे वाला फोर्स बड़ा एम जी, ऊपर वाला छोटा, इक्वल टू नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना एम ए, आर को इधर जान दो तो एम जी माइनस एम ए इक्वल टू कितना हो गया भैया आर, रिएक्शन फोर्स देखो कम हो रहा कि बढ़ रहा है, ये देखिए मतलब जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम है। यहां एम का मतलब दोनों है भाई साहब, क्योंकि लिफ्ट भी सिस्टम में शामिल है, मास ऑफ द लिफ्ट प्लस मास ऑफ द बॉडी, क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, लिफ्ट जो है रेस्ट में है तो रेस्ट के लिए एक्सेलरेशन कितना है जीरो, तो एक्चुअल वेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी अपेरेंट वेट किसके इक्वल होगा एक्चुअल वेट के, मतलब बोले तो आर इक्वल टू एम जी, आर इक्वल टू एम जी। अगर इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड एट ए रेट ऑफ जी, लो डाउनवर्ड गिर रही है कितने से जी से, मतलब लिफ्ट की डोरी टूट गई, लिफ्ट की डोरी टूट गई, ये केबल टूट गई लिफ्ट की ट्रैक, तो ये जी से गिरने लग गई, तो कहाँ गया डाउनवर्ड वाला केस, ये है डाउनवर्ड वाला केस आर एम जी माइनस ए, हाँ है ना। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो चुका है जी के इक्वल, तो जी माइनस जी करोगे तो कितना आ जाएगा जीरो, जी माइनस जी कितना करोगे जीरो, मतलब भैया वेटलेस हो जाएगी आपकी स्थिति, हवा में तैरोगे, हवा में तैरोगे, जैसे इंसान ऊपर से गिरता है तो आर इक्वल टू कितना हो गया जीरो, मतलब अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा जीरो, तैरते हुए इंसान का हवा में जो तैर रहा है उसके पैर के नीचे आप विंग मशीन रख दोगे तो उसका वेट कितना आएगा जीरो, क्योंकि पैर के नीचे विंग मशीन भी तो नीचे भगेगी ना। अगला, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड एट ए रेट ऑफ ए ग्रेटर देन जी, लो भाई साहब लिफ्ट जो है जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से जा रही है, जी से भी ज्यादा, देखो क्या हो जाएगा हल, जी से ज्यादा एक्सेलरेशन है मतलब ये 9.8 है तो ये मान लो 13.8 है, तो जी से ज्यादा ए है तो आंसर रिएक्शन कैसा आएगा निगेटिव, रिएक्शन कैसा आएगा निगेटिव, रिएक्शन निगेटिव आएगा। इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड देन द ए ग्रेटर देन जी, आर इज निगेटिव, आर इज निगेटिव, रिएक्शन निगेटिव हो जाएगा, हेंस अपेरेंट वेट इज निगेटिव विच मीन्स बॉडी विल राइज अप फ्रॉम द फ्लोर लिफ्ट एंड स्टिक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। ये टॉम एंड जेरी के आपने वीडियोज अगर देखे होंगे तो वो लिफ्ट बहुत तेजी से गिरती है तो टॉम उछल करके या जेरी उछल करके लिफ्ट के ऊपर चपक जाता है, देखा होगा आपने, वो फिजिक्स थोड़ी सी दिखा देते हैं, हाँ है ना, और फिर लिफ्ट गिरती जाती है वो ऊपर चपका रहता है, फिर धड़ाम से नीचे एक ब्लास्ट होता है और उसके सिर के ऊपर वो चक्कर चक्कर घूमना शुरू कर, ओए क्या हो गया, हाँ है ना, मतलब यदि एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है जी से भी ज्यादा है तो उछल करके आप ऊपर चले जाओगे, चिपक जाओगे, क्योंकि आप तो गिर रहे हो जी से, आप कितने से गिर रहे हो जी से, मगर लिफ्ट कितने से गिर रही जी से ज्यादा से, मतलब आपके एक्सेलरेशन से लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो आप चिपक ही रहोगे, क्योंकि धरती आपको कम से खींच रही है और लिफ्ट आपकी ज्यादा जोर से खींच रही है, समझ में आया, ये लिखा है सीलिंग ऑफ द फ्लोर। यस, अगर लिफ्ट पर रिटार्डेशन वर्क कर रहा है तो एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हमें लिफ्ट की वेलोसिटी के अपोजिट लेनी होती है, हाँ ठीक है भाई, रिटार्डेशन यदि वर्क कर रहा है तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, चलिए वो न्यूमेरिकल में देखा जाएगा, आ जाइए देखते हैं। नॉर्मल वेट में इक्वल टू जीरो, बोलो यहाँ है ना, अगर एक्सेलरेट हो रही तो ऊपर की तरफ वेट बढ़ेगा, बोलो ये सुनो, अगर एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड नीचे की ओर तो वेट घटेगा, बोलो ये सुनो,
और अगर जी से एक्सेलरेट हो गई तो आंसर कितना हो गया, जीरो वेट। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, क्लियर हो गया। ओके गाइस, तो कल पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन। सारे टाइप के ब्लॉक में हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे कल की क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। सारे टाइप के फोर्सेस पढ़ेंगे, ओके, सूडो फोर्स भी आएगा और पूरे तरीके के, ये देखिए इतने सारे ब्लॉक बॉडी मोशन करेंगे, मजा आने वाला है। खूब सारी ट्रेन व्रेन जितनी पुल्ली सिस्टम होती है सबको कलम निकाल करके अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स कल अपने पूरे जलवे में रहेगी। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।